तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द सेम जर्नी। देन हमें फाइंड करना है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसको हम पकड़ लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं इसको लेके चला, लेट द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन, इसको यहां से पकड़ लिया मैंने, एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड इसमें जो ओरिजिनल स्पीड थी ट्रेन की वो हमारी होगी एक्स किलोमीटर पर आवर। अभी देखो इसकी स्पीड में ना क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। तो जो न्यू इंक्रीज्ड स्पीड होगी ना हमारी, न्यू इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये हो जाएगी एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम एक्स की स्पीड से चल रहे हैं 90 किलोमीटर, तो जो हमारा टाइम लग रहा है, सपोज करो वो T1 लग रहा है, तो जो T1 टाइम है ना, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं एक्स की स्पीड से, तो जो हमारा टाइम लग रहा है वो T1 है सपोज करो। तो T1 कैसे निकालेंगे हम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस है ना अपॉन में स्पीड, समझ रहे हो? आई होप आपको T1 समझ में आया होगा। सेम क्या करेंगे हम, T2 निकाल लेंगे। T2 क्या है हमारा, जब हम x प्लस 15 की स्पीड से चल रहे तो 90 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो हमारा टाइम लग रहा है वो T2 है। ये हो जाएगा 90 अपॉन में x प्लस 15, समझ रहे हो? तो आई होप आपको इतनी बात पकड़ में आई होगी। तो अभी यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो जो हमारा स्पीड है ना एक्स प्लस 15, इससे जो हमारा टाइम लगेगा वो कम लगेगा और इससे हमारा टाइम लगेगा ज़्यादा जो हम एक्स की स्पीड से चलेंगे। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हमको 30 मिनट गिवन है, तो इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू हाफ। हाफ कहाँ से आया, 30 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अभी T1 और T2 की वैल्यू रख देते हैं। T1 हमारा हो गया 90 अपॉन एक्स माइनस 90 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल टू, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2। ओके, तो अभी इसमें से 90 हमारा कॉमन आ रहा है, इसको बाहर पकड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 1/x है ना, समझ रहे हो? और यहाँ से ये हो जाएगा 1/x प्लस 15 इक्वल टू हाफ, ये हमारा मिल रहा है। तो जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 90 हमारा इसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2 के, यहाँ से हमको मिल जाएगा 180। और इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा हमारा एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 15x। तो आई होप आपको ये पकड़ में आया होगा। यहाँ से ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं है ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखो उधर जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये 2700 मिल रहा है इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके लेके आना हमको 2700, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना हमने 15। तो 2700 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2700। तो 2 से जा रहा है हमारा 1 जा, 3 जा 5 जा 0, 2 से जाएगा 6 जा, फिर 2 जा अगेन 5 जा, तो 2 से जा रहा 6 जा, और यहाँ पे 1 बचेगा ये 7 जा जाएगा, फिर 5 जा, फिर 3 से जा रहा है, देखो यहाँ पे 3 से जा रहा है 2 जा, अगेन 2 जा, फिर 5 जा, 3 से जा रहा है 7 जा, 1 बचेगा फिर 5 जा, फिर 3 से जा रहा है 2 जा, 5 जा, फिर 5 से जाएगा 5 जा, और 5 से जाएगा 1 जा, है ना। तो यहाँ से देखो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, इसको हम कंबाइन करके चेक कर लेते हैं कि ऐड करके हमारा 15x आ जाए, और मल्टीप्लाई करके तो हमको 2700 मिलेगा ही। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा, यहाँ से हमको मिला 60 है ना, और 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, एक यहाँ से हमको मिला 45, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से आपको मिल जाएगा 15। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस 15 को आप क्या लिखोगे, 60 माइनस 45x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो अभी इसको यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है x, ये बचेगा x प्लस 60,
यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 45, ये भी बचेगा x प्लस 60 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक फैक्टर हमारा बन रहा है x प्लस 60 और एक बन रहा है x माइनस 45। तो यहाँ से जब आप निकालोगे ना x प्लस 60 इक्वल टू जीरो करके, ये आपको मिलेगा माइनस में, ये हमारी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी क्योंकि स्पीड हमेशा हमेशा हमारी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ से हम निकाल लेंगे x माइनस 45 इक्वल टू जीरो, ये मिल जाएगा x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड निकल रही है ना यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की, या इसको हम बोले ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो हमारी आ रही 45 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन।